अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्रम शमी। दोस्तों कई दिन हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि जरूरी काम थे तो वो कर रहे थे। तो आज मैंने इलेक्शन देने वाला हूँ, दानिश भी कई काम में उलझा हुआ है, तो आज मैं इलेक्शन दूंगा इस वीडियो पे। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पे इलेक्शन देने वाला हूँ वो बंगाली लैंग्वेज के फैक्ट्स के हवाले से है। तो देखते हैं कि इसमें क्या फैक्ट्स बताए गए हैं बंगाली लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो देख चुके हैं उनमें कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है फैक्ट्स के हवाले से, कोई बांग्लादेश के फैक्ट के हवाले से कोई हमें वीडियो नहीं मिली है जिस पर हम रिएक्शन दें। तो जब अगर ये हिंदी में हुई या इंग्लिश में हुई तो इसमें समझने में आसानी होगी, और फिर आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, अगर मुझे समझ आई तो। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर इस पर आपको रिव्यू देता हूँ। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट। आज हम एक बहुत ही प्यारा से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बंगाली लैंग्वेज। दोस्तों क्या आप जानते हो कि फ्रेंच के बाद बंगाली लैंग्वेज सेकेंड में आता है इन टर्म्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और ये लैंग्वेज बहुत ही कल्चरल रिचनेस से भरा हुआ है। और बंगाली लैंग्वेज स्वीट तो बहुत है, द स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ दिलचस्प फैक्ट्स अबाउट द लैंग्वेज बंगाली। लेट्स गो। दोस्तों सिर्फ एक लैंग्वेज के वजह से कोई अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? हाँ, ऐसा ही हुआ था 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के सामने बहुत सारे बंगाली लैंग्वेज एक्टिविस्ट्स ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था इन लव ऑफ देयर लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, ऐसे ही हुआ था। इसी वजह से यूनेस्को जैसी एक बड़ी संस्था ने 21 फरवरी को वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है दोस्तों, एंड सैल्यूट टू दोस एक्टिविस्ट फॉर देयर लव ऑफ देयर लैंग्वेज। तो दोस्तों अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। क्या आपको पता है दुनिया में 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में है एक है बंगाली लैंग्वेज। पूरे दुनिया में 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं। बांग्लादेश में तो है ही ये ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया में भी 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक है बंगाली लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के कुछ पार्ट्स में भी ये लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। और दोस्तों और एक बात, सियेरा लियोने जैसी एक कंट्री में भी बंगाली लैंग्वेज ऑनरारी ऑफिशियल लैंग्वेज की तकमा पा चुका है। नाउ फैक्ट नंबर 3। दोस्तों बंगाली एक बिल्कुल जेंडर फ्री लैंग्वेज है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जेंडर की जब हम बंगाली में बात करते हैं। नाउ फैक्ट नंबर 4। बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों कंट्री का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये हम सब जानते हैं। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि ये दोनों नेशनल एंथम बंगाली लैंग्वेज में ही लिखा गया है? मतलब इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो पहले ओरिजिनली टैगोर ने बंगाली में ही लिखा था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि एशिया का फर्स्ट नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि लिखने के लिए। क्या ये सबको पता है कि गीतांजलि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था? वो भी बंगाली में। फैक्ट नंबर 6। रिसर्च बताती है तकरीबन 1 लाख यूनिक वर्ड्स है बंगाली लैंग्वेज के वोकैबुलरी में। फैक्ट नंबर 7। बांग्लादेश के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में बंगाली रेडियो स्टेशन सुनने को मिलता है, इंडिया, जर्मनी, जापान, चाइना और थाईलैंड, फिलीपींस जैसे देशों में भी बंगाली रेडियो स्टेशन बहुत मशहूर है ना ये कमाल की बात दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दुनिया में ऐसे कोई भी देश नहीं है जिसके नाम एक लैंग्वेज के ऊपर बेस करके रखा गया है, बट बंगाली लैंग्वेज के ऊपर बेस करके कंट्री का नाम रखा गया है, और आपको पता ही है वो कंट्री का नाम है बांग्लादेश। इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस इतनी है दोस्तों कि एक इंटायर कंट्री का नाम बंगाली लैंग्वेज की वजह से रखा गया है। तो ये था दोस्तों बंगाली लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट। और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों बंगाली लैंग्वेज की, पर एक वीडियो में सब कुछ लाना नामुमकिन है। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम और तो दोस्तों वीडियो मैंने देख लिए है और काफ़ी ज़बरदस्त फैक्ट्स बताए गए हैं बंगाली लैंग्वेज के बारे में, जो कि मैं तो उनमें से कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसपे हम रिएक्शन दे पाएंगे।
जो फैक्ट्स के हवाले से हो, बंगाली लैंग्वेज के हवाले से या बांग्लादेश के ऊपर जो फैक्ट्स बताए गए हो, तो ये पहली वीडियो थी फैक्ट्स के हवाले से जिस पर मैंने रिएक्शन दिया है। तो ये काफी अच्छी तरह फैक्ट्स बताए गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसने बताया है कि बांग्लादेश का नाम भी बंगाली लैंग्वेज के ऊपर रखा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक और फैक्ट में इसने बताया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम इंडिया का और बांग्लादेश का लिखा है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखा था, और उसे बाद में हिंदी में इंडिया का किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था जो इससे पहले मुझे नहीं पता था। और दूसरा एक और फैक्ट भी उसने बताया, जैसे कि दुनिया में 6 जो ऐसी जबानें हैं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में बंगाली लैंग्वेज भी शामिल है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा जैसे कि बताया रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि उन्होंने जो गीतांजलि किताब लिखी है वो बंगाली लैंग्वेज में लिखी है, और उनको एशिया में सबसे पहले एशिया में उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मुझे तो काफी फैक्ट्स पसंद आए हैं। और एक और फैक्ट में जो बताया है इसने कि बांग्लादेश, चीन, जापान, इंडिया, जर्मनी, थाईलैंड, फिलिपाइन में रेडियो चैनल्स है बांग्लादेशी लैंग्वेज में जो काफी शौक से सुने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है बंगाली लैंग्वेज की। तो दोस्तों काफी अच्छी जबान है बंगाली लैंग्वेज भी, और इसमें मुख्तलिफ जबानों के वर्ड्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों मुझे तो ये काफी वीडियो पसंद आई है, काफी फैक्ट्स पसंद आए हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्स के हवाले से कोई और वीडियो हो जो बांग्लादेश के हवाले से फैक्ट्स हो या किसी शहर के बारे में फैक्ट हो बांग्लादेश के, तो उस पर मैं रिएक्शन जरूर दूंगा और मुझे लिंक सेंड कर दे। तो दोस्तों मुझे तो ये वीडियो काफी पसंद आ गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद ऐसी ही डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।